हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं कला। हैप्पी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे करेले के छिलके और उसके बीज के साथ एक सब्जी, जो एक बेक्ड रेसिपी है, जिसे हम बेक करेंगे, अपने कढ़ाई में बेक करेंगे। बहुत आसान तरीके से बन जाएगी ये सब्जी। जितने फायदे करेले के होते हैं, उससे कई ज्यादा फायदे उसके छिलके और उसके बीज के होते हैं। इससे आपका बैड कोलेस्ट्रॉल घटता है और आपका वेट भी बैलेंस रहता है। तो प्लीज ये वीडियो को जरूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और भी नोटिफिकेशंस मिलते रहे। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने इधर 7 करेले लिए हैं। पहले उसका डंठल हटा के उसके छिलके अलग कर देंगे। फिर हम करेले को काट कर उसके बीज अलग करेंगे। आप उसके चाकू से भी काट के अलग कर सकते हैं, या तो आप अपने चम्मच को उल्टा करके उससे भी आसानी से बीज हटा सकते हैं। इस तरह से हम सारे बीज हटाकर इकट्ठा कर लेंगे। अलग किए छिलके और बीज को एक मिक्सिंग बाउल में ले लेंगे और इसको नमक और हल्दी डालकर पानी में भिगोएंगे 10 मिनट के लिए। मैंने इधर करीब 2 चम्मच नमक और 1 चम्मच हल्दी ली है। इसको हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम पानी को ड्रेन कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारे सारे स्पाइसेस। 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच तिल ले लिया है मैंने, और 4 से 5 बड़े टेबलस्पून गुड़ डाल दिया है। गुड़ मैंने पाउडर करके लिया है। ये कोट करने के लिए मैंने करीबन 1 चम्मच तेल लिया है। बस 1 चम्मच में बन जाएगी हमारी ये बेक्ड रेसिपी। अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर हम इसे अपनी कढ़ाई में बेक करने के लिए रखने वाले हैं। तो पहले एक प्लेट ले लीजिए, उसको अच्छे से ग्रीस करके उसमें हम अपनी सब्जी को डाल लेंगे। उसको स्प्रेड कर दीजिए अच्छी तरह से, और इसे हम अपनी प्री हीटेड कढ़ाई में, जो हमने 10 मिनट प्री हीट किया है, उसमें बेक करने के लिए रख देंगे। और इसको हाई फ्लेम पे पूरे 25 मिनट तक बेक करेंगे। लीजिए, आपकी बेक सब्जी तैयार है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। अब इसे हम एक प्याले में निकाल लेते हैं। हमारे करेले के छिलके और बीज की सब्जी बेक होकर तैयार है। आप इसे ज़रूर बनाइए, खाइए और आपके फीडबैक्स मुझे ज़रूर भेजिए, और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।